अस्सलाम वालेकुम। ये जो बी टेक फेज है, ठीक है, ये है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने काम किया हुआ है। लॉगिन सबसे जो पहला पेज है वो हमारा इंडेक्स पेज है, कोडिंग में जो होम पेज हमें जिसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, रनिंग होना, रन होना। ये सबसे ऊपर PHP का टैग स्टार्ट हो रहा है। देन हमने इंक्लूड बिल्डिंग फंक्शन यूज किया, जिसके थ्रू हमने हेडर के पेज को, जो हेडर की फाइल जो थी, उसको इंक्लूड करवाया यहाँ पे, ताकि हम उसके अंदर जितनी भी चीजें थी उनको एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें। और साथ ही हमने डेटाबेस की जो कनेक्शन की फाइल थी उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया। सेशन को स्टार्ट करवाया, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आया कि फैकल्टी मेंबर जो है उसका सेशन एक्टिव है, सेट है। अगर तो उसका सेशन ऑलरेडी सेट है तो फिर वो क्या करेगा, उसको फैकल्टी वेलकम डॉट PHP, मतलब फैकल्टी के होम पेज के ऊपर ले जाएगा। और अगर आपका जो HOD है, ठीक है, उसका भी सेशन सेट हो, दोनों में से किसी का भी सेशन सेट होगा, तो उन दोनों को क्या करेगा, दोनों में से कोई भी एक होगा एट अ टाइम, तो वो उसको उसके होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। नीचे आपने लॉग आउट का जो है वो रजिस्ट्रेशन का लिए एक बटन बनाया, ठीक है। लिंक का टैग यूज किया, ठीक है, जिसमें HREF में हमने उसका पेज का लिंक दे दिया कि इस पेज पे आपने मूव करना है जब रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक होगा। तो ये नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यूज हुई है बिल्ट इन उसकी PHP की, सॉरी बूटस्ट्रैप की क्लास बटन की, बटन प्राइमरी, प्राइमरी ये वार्निंग होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है, सक्सेस होता है, इन्फो होता है, ये मुख्तलिफ किस्म के बटन के टाइप होती हैं। स्टाइल का टैग यूज, एट्रीब्यूट यूज किया, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि मार्जिन लेफ्ट होगा 20 pixels, इस बटन की थोड़ी सी सेटिंग की है हमने। तो ये यहाँ तक हमारे पास था। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हमारे पास जो लॉगिन का वो आ रहा है फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, वो किस तरह से बना है, उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने बताया कि पोस्ट के मेथड से हम यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे, ठीक है। देन हमने टेबल की मदद, टेबल का टैग यूज किया, उसके अंदर हमने रोज डिफाइन किया और हर रो के अंदर टेबल हेड हमने डिफाइन कर दिया। अब फर्स्ट टेबल हेड के अंदर हमने ईमेल जो लिखा हुआ हमारा शो हो रहा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हमने नेक्स्ट रो के अंदर क्या किया कि TH के अंदर हमने उसका जो इनपुट थी, ठीक है, उसको लिया, ठीक है, और टाइप हमने, अब पहले हमने ईमेल इंटर करवानी है, ठीक है, फैकल्टी की। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ईमेल जो टाइप होगी इनपुट की वो ईमेल होगी, और नेम में हमने सी ईमेल रख दी है। ये नेम जो होता है वो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि इसके थ्रू हम चेक कर सकें कि यूजर ने यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है वो रीड प्लेस की, और पोस्ट के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हुए हम इस वैल्यू के थ्रू जो होता है उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं जो यूजर ने रिक्वायर्ड, का मतलब होता है कि आपने इसको लाजमी फिलफिल करना है, और प्लेस होल्डर आपको एक इंडिकेशन देता है। सेम यहाँ पे बाकी जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड है, क्योंकि हमने पासवर्ड को यहाँ पे लिखना था, तो पासवर्ड की अपनी टाइप है इनपुट टाइप, जिसकी वजह से वो स्टार ऊपर लिखा हुआ था। नीचे हमने क्या किया कि लॉग इन एज, कि आपने एज फैकल्टी मेंबर लॉग इन होना है या आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं। अब कौन सी वाली वैल्यू हमने सिलेक्ट की है, फैकल्टी मेंबर की है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, और वैल्यू ये वाली हमारे पास होती है इन दोनों में से जो भी हम सिलेक्ट करते हैं। नीचे अब हमें एक बटन भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमने इनपुट टाइप की जो इनपुट की टाइप जो रखी है वो सबमिट रखी है, और वैल्यू में जो हम देंगे यहाँ पे वो हमें बटन के ऊपर शो होगा, और नेम हमने दे दिया कि डन। अब डन को वो रीड आउट करेगा कि आया कि ये बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, अगर प्रेस हुआ तो वो फिर उसी हिसाब से वो काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे इस बटन के स्टेटस को चेक कराया कि इसकी वैल्यू सेट है या नहीं है, ये डन था हमारे पास में पोस्ट के मेथड के थ्रू। इफ, ठीक है, दिस वैल्यू इज सेट देन दिस वर्क विल बी डन, ठीक, तो इसका फिर वो काम होगा, अगर ये वाला जो होगा बटन प्रेस होगा तो फिर ये काम होगा।
बटन प्रेस होगा तो आपकी ईमेल पासवर्ड और स्टेटस जो होगा ठीक है वो तीनों चीजें रीड आउट होंगी पोस्ट के मेथड से और अपने अपने कंसर्न वेरिएबल के अंदर उनकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर आपके स्टेटस के पास स्टेटस में आपकी जो वैल्यू आती है रीड आउट होती है वो फैकल्टी मेंबर आता है तो वो फिर क्या करेगा कि एक क्यूरी ले रहा है सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम फैकल्टी मेंबर वेयर जो यूजर ने ईमेल और पासवर्ड जो है वो इंटर किया है अगर वो यहाँ पे किसी के साथ मैच करते हैं दोनों चीजें तो उसका डाटा निकाल दे। वो क्यूरी हमने रन करवा दी MySQL क्यूरी का फंक्शन होता है कि आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज करते हो। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज निकाल ली ये भी बिल्ट इन फंक्शन है PHP का ताकि अगर तो हमारे पास कोई रो जो है वो अगर किसी के साथ मैच करता है तो हमारे पास कोई ना कोई रो आएगी और अगर आपकी रो जो है वो लेस देन 01 होती है तो फिर आपको क्या अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट मतलब किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ ठीक है। और अगर तो किसी के साथ मैच हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि उसका सारे का सारा डाटा एक्सेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पे अरे का जो होती है इसको हम डिक्शनरी के तौर पे यूज करते हैं MySQL फेच एसोसिएशन ठीक है। ये फंक्शन जो होता है वो हमें सारे का सारा उस कंसर्न जो हमारी एंटिटी होती है उसका डाटा निकाल के देता है जिस हिसाब से हमने क्यूरी लगाई हुई होती है ऊपर। तो ये देखें अब ये डाटा के अंदर हमारी जो फैकल्टी आईडी है ये की है इसकी उसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आईडी के अंदर इसकी वैल्यू को फैकल्टी आईडी जो सेव हो जाएगी और उसको हमने सेशन कर लिया और अलर्ट हमें मिल जाएगा कि वेलकम कि आप लॉग इन हो गए हो सक्सेसफुली ठीक है। रिडायरेक्ट हम हो जाएंगे फैकल्टी वेलकम पे और अगर आपके पास स्टेटस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ठीक है तो सारा काम यही जो ऊपर मैंने आपको इसके लिए फैकल्टी मेंबर के लिए बताया वो काम यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए होगा। नीचे हमने फंक्शंस जो है वो डिफाइन किया है अलर्ट का फंक्शन है ठीक है। फिर अलर्ट के फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलर्ट में जो वैल्यू आ रही है ठीक है वो टेक्स्ट होगा तो उस टेक्स्ट को रीड आउट कर रहा है और फिर अब यहाँ पे उसको इको कर रहे हैं और रीडायरेक्ट टू का मतलब यह है कि हम किसी लोकेशन पे उसको सेंड कर रहे हैं तो वो पाथ जो हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे इको करवा रहे हैं कि हाँ इस पाथ पे हमें ले जाए। तो इस तरह से आपके पास ये जो है लॉग इन हो रहा है। तो इसमें हमने दो चीजों का जिक्र किया था एक था हेडर और एक थी DB कनेक्शन ठीक है। तो उन दोनों को पहले देखते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं हेडर को। हेडर के अंदर जो है हमने सिंपल जो बूटस्ट्रैप का हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है उसकी ये पाथ हमने दिए हुए हैं और नीचे हमने सारी इनपुट टाइप्स जो है ठीक है जो यूज हो रही है उनकी हमने हाइट ब्रेथ और किस तरह से उसका डिस्प्ले होना चाहिए वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सेट की हुई है सेटिंग की हुई है और डिस्प्ले की एक हमने दिया कि हाँ डिस्प्ले हमारा कहीं पे अगर हम सेट करना चाहें तो वो किस तरह से होना चाहिए। ये बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया है ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है हम किस तरह से सेट करते हैं ये पूछ सकते हैं वो। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो जो इस टेस्ट पेज का टाइटल था वो हमने डिस्प्ले करवाया। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी हमने हेडर के अंदर दी हैं तो हेडर हर एक के अंदर जो है वो हम इंक्लूड करवा रहे हैं। डेटाबेस कनेक्शन वाली फाइल जो है उसके अंदर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड हो रहा है MySQL लाइक कनेक्ट ठीक है। ये हो गया लोकल होस्ट ये सर्वर का नेम होता है और ये हमारे पास यूजर नेम आ जाता है रूट और यहाँ पे पासवर्ड और नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट आ जाता है मतलब ये हमारे पास होता है डेटाबेस का नेम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है। तो ये MySQL कनेक्ट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है PHP का जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करवाता है और इसका स्टेटस जो होता है वो डॉलर साइन कौन का जो वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इन दोनों के अंदर ये काम हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक था रजिस्ट्रेशन का कि रजिस्ट्रेशन आपकी किस तरह से हो रही है। ये दोनों वही फाइलें इंक्लूड हो रही हैं ठीक है। नीचे हम आते हैं सबसे पहले फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म के अंदर वही इनपुट टाइप्स जो है वो इनपुट्स कॉल हो रही होंगी फॉर्म बना हुआ है ठीक है। टेबल की मदद से रोज और आपके टेबल हेड आ रहे हैं ठीक है। तो जिस तरह का डाटा आप इंटर करा रहे हो अगर टेक्स्ट करवा रहे हो तो उसका टेक्स्ट होगा टेलीफोन करवा रहे हो तो टैली होगा ठीक है। तो जिस हिसाब से आप नंबर इंटर करवा रहे हो तो उसका नंबर होगा टाइप जो होगी इनपुट टाइप की इनपुट की ठीक है। ये जो टाइप हमारे पास है तो ये सारे की वो जो मैंने पहले बताई है उसी तरह से हमने यहाँ पे इनको डिफाइन किया और नीचे जो है वो हमारे पास जो है वो आ गई है एक ड्रॉपडाउन लिस्ट बनाई हुई है। इसको आप चेक एक दफा जो है ये चेक कर लीजिए कि ड्रॉपडाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं और
देन हमारे पास जो है वो रजिस्टर एज आ गया कि हाँ कि आपने अदर फैकल्टी मेंबर होना है या आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना है, और नीचे हमारे पास आ गया एक सबमिट, इसकी इनपुट टाइप जो है वो हमने रखी है सबमिट, और वैल्यू हमने दे दिया रजिस्ट्रेशन की जो कि उसके ऊपर बटन के शो होगी, और नेम में हमने दे दिया ऐड। अब ऐड के बटन के वो चेक करेगा कि आया कि ऐड का बटन जो है वो प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखें इफ इज सेट, ठीक है, ऐड को पोस्ट के मेथड वो चेक कर रहे हैं, अगर तो ये प्रेस हुआ है ठीक है तो फिर आपके जितने भी वेरिएबल नीचे इनपुट फील्ड से ठीक है उन सब की वैल्यू रीड आउट होगी। रीड आउट होने के बाद जो है वो चेक कर रहे हैं कि अगर आपके स्टेटस में जो है वो आ जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो वो क्या करेगा, आपको सबसे पहले आपका क्या करवाएगा कि हाँ जी आप चेक किया जाएगा कि ये डिपार्टमेंट जो है ठीक है इसका कोई एचओडी पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट ऑलरेडी किसी ने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो रोज निकाल लेंगे क्योंकि एट अ टाइम एक ही एचओडी हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो वो अगर आपकी कोई ना कोई रो आपके पास निकल आती है, एक रो आ जाती है फैक्ट्री, तो आप मस्ट बी ओनली वन एच ओ डी, ये आपके पास अलर्ट आ जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी पे ले जाएगा। एल्स आप क्या करोगे कि आपके पास जो होगा वो अगर इस तरह से नहीं आता है तो फिर आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओगे, इंसर्ट इन टू जो टेबल होगा उसका नेम आ जाता है, आगे हम उसके एट्रीब्यूट बताते हैं और लास्ट साथ हम उसकी वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं। वैल्यूज हमारे पास है नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो इस वैल्यूज जिन वेरिएबल्स के अंदर प्लेस हुई होती हैं उनको हम वहां पे लिख देते हैं और सेम ऑर्डर में लिखते हैं जिस तरह से हमारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन हुए हुए होते हैं। और आपकी अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको एक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मैसेज आ जाएगा और आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी पे ले जाएगा, एल्स आपको फेल का, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं होती तो फेल का मैसेज आ जाएगा। और अगर आपकी जो है स्टेटस में फैकल्टी का आ जाता है ठीक है तो आपकी क्या कहते हैं इंसर्ट की क्यूरी रन होगी, क्यूरी रन सक्सेसफुली होती है तो आपको एक सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फैकल्टी मेंबर का मैसेज आ जाएगा और आपको इंडेक्स पेज पे ले जाएगा, एल्स आपके पास फेल्ड का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये काम हो रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है कि फैकल्टी मेंबर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। फैकल्टी मेंबर का पहले वेलकम पेज देख लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन के बाद वही दो फाइलें हमने इंक्लूड करवाई हैं हेडर की और डीबी कनेक्शन की, और यहाँ पे हम चेक करें कि आया कि इसका सेशन जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, यहाँ से वो सेशन को रीड आउट कर रहा है और फैकल्टी आईडी के अंदर उसको उसकी आईडी को डाल रहा है, ठीक है, जो हमने वहां पे इंडेक्स पेज के ऊपर इसका सेशन जो है वो करवाई थी आईडी, अगर तो वहां से लॉग इन हुआ है बंदा तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और अगर आपके पास वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ ये वैल्यू सेट होगी, सेट होगी तो ओके, एल्स आप इंडेक्स पेज पे जाएंगे ताकि आप पहले लॉग इन हो गए फिर यहाँ पे आए। अब लॉग आउट का यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है, लॉग आउट में एक टैग यूज किया हमने रेफरेंस के लिए, वो लिंक क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और एच रेफ में हमने उसके जो पेज का लिंक था ठीक है लॉग आउट डॉट पी एच पी वो दे दिया, बटन की क्लास लगाई है और बटन की टाइप जो है वो डेंजर रख दी है, स्टाइल हमने थोड़ा सा इसके ऊपर किया है, ठीक है, तो इस तरह से आप फिर वही नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट है उसको हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे फैकल्टी को अगर देखें सिर्फ फैकल्टी मेंबर को लॉग इन करवा लेते हैं, किसी एक को अली को करवा लेते हैं, तो ये फैकल्टी मेंबर का पेज है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो किस तरह से शो हो रही है वो हम देखते हैं। वो क्यूरी लगाएगा कि अब जो बंदा लॉग इन है उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लॉग इन हूँ ठीक है तो मेरी सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेस होगी, किसी और की नहीं होगी,
तो उसके लिए हम क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम फैकल्टी वेयर, जो बंदा लॉग इन है फैकल्टी आईडी उसकी, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी आईडी जो रीड आउट होगी वो जहाँ पे ये वाली फैकल्टी आईडी एग्जिस्ट करती है उसके अगेंस्ट जो डाटा है वो सारे का सारा फैकल्टी मेंबर में से निकाल के दे दो। क्यूरी रन की, फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो रोज निकाल ली, अगर रो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आती है तो नीचे वाला काम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिर हमने टेबल डिफाइन किया है, उसको लाइन सेंटर किया है, स्टाइल किया है, उसका थोड़ा विड्थ उसकी 80% किया है, क्लास उसके टेबल टेबल स्ट्रिप्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप बॉर्डर लगा दें, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास एक जो होता है एक रो होती है जिसके अंदर हम हर एक कॉलम में जो डाटा हमने प्लेस करना होता है उसका बताते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, नेम आएगा, जो चीज़ें हमने बतानी होती हैं वो आती हैं, तो उनका टेबल हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास अभी फैकल्टी मेंबर आईडी है, ठीक है, देन हमने उसका मेंबर का नेम है, फिर मेंबर डेजिग्नेशन है और सैलरी वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हमने डिफाइन कर दिया ऊपर कॉलम्स के ऊपर कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन प्लेस होगी। अब यहाँ पे हमने व्हाइल लूप लगाया और हमने सारी की सारी जो उसके कंसर्न डाटा था, ठीक है, उसको डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ पे एक्सेस कर लिया और उसको हर नेक्स्ट हमने एक और रो स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने उसका जो है वो डाटा जो था वो प्लेस करवा दिया। जैसे फैकल्टी आईडी है, ठीक है, तो फैकल्टी आईडी हमने यहाँ पे शो करवा दी है इको करके, देन हमने क्या किया है कि इको की है क्या चीज, उसका नेम डेजिग्नेशन की है। अब उसका क्या कहते हैं, हमने उसकी सैलरी जो है वो निकालनी है, तो सैलरी निकालने के लिए क्या हो रहा है, इसके कौन कौन से कोर्स कौन से ये पढ़ा रहा है, ठीक है, कोर्सेज निकालने हमने, ठीक है, असाइंड कोर्सेज कौन कौन से हैं इसके पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम कोर्सेज वेयर फैकल्टी आईडी दिस, इस आईडी के अगेंस्ट जो जो कोर्सेज असाइन हुए हुए हैं वो सारे के सारे निकाल के दे दें। ये क्यूरी रन होगी, रोज चेक करेंगे, क्योंकि रो अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो हम वही डिक्शनरी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, और इको कर देंगे कि हाँ यहाँ पे आई प्लस प्लस किया हमने, और साथ में हम बता देंगे कि हाँ कोर्स का नेम जो है ये है, फिर हमने ब्रेक लगाई है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट में हमने उसकी सैलरी को डिस्प्ले करवा दी है, तो इस तरह से हमारे पास जो है उसके यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब लॉग आउट का जो हमारे पास पेज है उसके अंदर क्या हो रहा है, लॉग आउट में हमारे पास सिंपल सेशन स्टार्ट हुआ है, वो दोनों, अब हमारे पास दो यूजर है, एक फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, और फैकल्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इन दोनों की आईडी का सेशन को चेक करेगा कि अगर इनके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको वेरिएबल्स के अंदर प्लेस कर देगा। अब इनमें से कोई भी अगर एट अ टाइम एक्टिव होगा तो क्या होगा कि आपका सेशन उसका डिस्ट्रॉय होगा और आपको इंडेक्स पेज पे लेके जाएगा, एल्स आपको इंडेक्स वैसे ही आपको इंडेक्स पेज पे लेके चला जाएगा, तो इस तरह से लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका, आगे एचओडी का जो वेलकम पेज है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास सिर्फ दो बटन लगे हुए हैं जिसके ऊपर हम असाइन कोर्सेज का बटन लगा हुआ है और एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर, ये दो चीजें हमारे पास लगी वहां पे लगी हुई है, ठीक है। ऊपर टॉप पे वो सिंपल ये चेक कर रहा है कि आपका जो एचओडी है वो लॉगिन है, ठीक है, अगर लॉगिन है तो ओके, एल्स क्या कहते हैं वो इंडेक्स पेज पे चला जाए। लॉग आउट का बटन लगा हुआ है और नीचे मैंने जो आपको दो बताए हैं बटन लगे हुए हैं तो ये है। अब हमारे पास असाइन कोर्सेज, ठीक है, तो उसमें हमारे पास शो फैकल्टी वाले पेज के अंदर हमने उसको किया हुआ है, ये ऊपर वही उसको चेक करेगा कि आपका एचओडी जो है वो लॉग इन है, ठीक है।
यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, इसको सेट कर लें। यहाँ पे हमारे पास असाइन एक्सेस इंफॉर्मेशन असाइन सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे एचओडी को जो है वो लॉगिन कर लेते हैं, एक दफा एचओडी चेक कर लेते हैं। एचओडी कौन है हमारा, डिपार्टमेंट हमारा कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेज है, ठीक है। इसको हमने देखना है कि किस तरह से हमने बनाया, ठीक है। शो फैकल्टी वाला पेज है ये, इसके ऊपर हमारे पास लॉग आउट का बटन बना हुआ है और फिर ऊपर असाइन कोर्सेज का वो जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ रहा है। यहाँ पे हमने क्यूरी दी है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेयर एचओडी आईडी, मतलब जो बंदा अभी लॉग इन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो सारे के सारे डाटा जो है वो निकाल के दे दे, ठीक है। और वो सारे के सारे डाटा वो क्यूरी रन होगी, ठीक है, फिर उसका डाटा सारा आ जाएगा। तो वहां से हमने डिपार्टमेंट निकाल लिया, ठीक है। डिपार्टमेंट को अब हमने क्या किया है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम फैकल्टी मेंबर वेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मतलब इस डिपार्टमेंट में जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर हैं वो सारे के सारे एक्सेस कर रहे हैं हम, ठीक है। क्यूरी रन हुई, उसमें हमने रोज निकाल ली, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास अगर रो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ जाती है, ठीक, तो वहां पे हमने सेम वही किस तरह से हमने वहां पे टेबल एड्स वगैरह यूज करके डाटा को शो करवाया था उसी तरह से हम यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है वो वेरी कर रही है कि ये जो नीचे लाइन है इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क आई डी इक्वल टू, ठीक है, हमने किया हुआ है और यहाँ पे हमने इको करवाई हुई है फैकल्टी आई डी, ये हम दूसरे पेज इस लिंक पे सेंड कर रहे हैं, इस पेज पे हम इसको सेंड कर रहे हैं, वहां पे हम इसको गेट करेंगे असाइन कोर्सेज वाले पे। और ये हमने एक बटन बनाया हुआ, ठीक है, जैसे ये बटन प्रेस होगा तो ये जो जिसके अब देखें यहाँ पे दो है तो जिसके क्रॉस में प्रेस करूंगा उसी का वहां पे वो जाके एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का नेम लिखेंगे और वो उसको असाइन हो जाएगा, ठीक। तो असाइन कोर्स में सेम अगर हम जाए, ठीक है, तो वो ऊपर सबसे पहले चेक कर रहा है कि आपका कौन सा बंदा जो एचओडी है वो लॉग इन है, देन आपकी गेट हो रही है जो आईडी हमने वहां से सेंड की है ना पिछले पेज से, वो यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं और उसको फैकल्टी आईडी के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने एक फॉर्म बनाया, बाकी वही सारी चीजें हैं। तो फॉर्म के अंदर हमने मेथड डिफाइन किया कि पोस्ट का मेथड यूज होगा, टेबल किया हमने कि टेबल होगा, ठीक है। रो पहले कोर्स का नेम हमने इनपुट करवाया, वो टेक्स्ट होगा, ठीक है, तो वो हमने इंटर करवा लिया और नीचे हमने एक बटन लगा लिया क्योंकि हमने इसको सबमिट भी करना है। तो इस तरह से हमारे पास जब हम ये बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि असाइन के थ्रू पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो वो चेक करेगा क्या आया कि आपका बटन प्रेस हुआ है, बटन प्रेस हुआ है तो आपका जो कोर्स नेम होगा वो रीड आउट होगा पोस्ट के मेथड से और यहाँ पे कोर्स नेम में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि ऑलरेडी जो है कोर्स नेम, ठीक है, वो किसी और फैकल्टी मेंबर को जो है वो असाइन तो नहीं है, ठीक है, इस बंदे को असाइन तो नहीं हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला कोर्स जो है। तो उसके लिए हमने लगाई है क्यूरी के सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम कोर्सेस वेयर फैकल्टी आईडी दिस एंड कोर्स नेम ये हो, मतलब दोनों चीजें जो है वो मैच करनी चाहिए कि इस बंदे को ऑलरेडी ये वाला कोर्स तो असाइन नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। अगर ये क्यूरी हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें एक अलर्ट आ जाएगा कि ऑलरेडी असाइन दिस कोर्स टू दैट फैकल्टी मेंबर,
और हम एचओडी वेलकम पेज पे आ जाएंगे। एल्स में आपका क्या होगा कि आपको कोर्सेज वाला जो टेबल है आपका, ठीक है, उसके अंदर एचओडी की आईडी, फैकल्टी की आईडी और कोर्स नेम जो होगी वो हम इंसर्ट करवा देंगे। इंसर्ट की क्यूरी हमारी डन हो जाएगी और सक्सेसफुली असाइन कोर्स का आ जाएगा हमें मैसेज। अगर क्यूरी सक्सेसफुली डन नहीं होगी तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि फेल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पे जो है वो एक्सेस फैकल्टी इन्फो, ठीक है, वाला पेज है कि हाँ वो फैकल्टी की इन्फो को किस तरह से, वो सबसे पहले ऊपर एचओडी वो चेक कर रहा है कि एचओडी जो है वो लॉग इन है, फिर लॉग आउट का बटन आ गया, देन हमारे पास वो ऊपर टेक्स्ट हमने शो करवा लिया। अब वो चेक कर रहा है कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेयर एचओडी, ठीक है, वही डिपार्टमेंट पहले हमने निकालना है और उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हमने जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, ठीक। तो उसके लिए हम सबसे पहले डिपार्टमेंट निकालेंगे। इस तरह से हमने डिपार्टमेंट निकाला है। डिपार्टमेंट निकालने के बाद हमने क्या किया कि हमने वहां से फैकल्टी मेंबर जो था, ठीक है, मतलब उनका डाटा निकाल लिया और नीचे हमने सिर्फ उसको क्या किया यहाँ पे उसको सिर्फ शो करवा दिया उसकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सेम वही जो हमने वहां पे उसके पेज पे शो करवाई थी उस तरह से हमने यहाँ पे शो करवा दिया और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो था, ठीक है, वो सारे का सारा जो काम था वो हो रहा है, ठीक। ये आपका टेस्ट फेज था। इसमें अगर कोई भी आपको इश्यू होता है तो वो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।